परिचयन विरोधी फैसले के संबंध में चारों वाम प्रति मोर्चा एकत्रित होकर जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को भेजा। ज्ञापन में कहा गया था कि वामपंथी दलों के कार्यकर्ता का एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन के माध्यम से आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए विरोधी हौसलों की ओर आकर्षित करते हुए कहा कि इस समय देश की जनता खस्ता हालत में है। हमारे देश अर्थव्यवस्था और मंदी के दौर से गुजर रहा है। प्रदेश सरकार लगातार महंगाई बनाती आ रही है, जैसे बिजली में बढ़ोतरी, पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी। इस महंगाई की मार से जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। साथ ही इन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में किए गए संशोधन, इन सभी मांगों को सारे वामपंथी मोर्चा राज्यपाल के ज्ञापन के माध्यम से सरकार के इस फैसले को रद्द करने की मांग करते हैं। राज्य के संबंध में प्रदर्शन किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? आज हमारा प्रदर्शन ये जो केंद्र उत्तर प्रदेश की सरकारें जन विरोधी नीतियां जनता के ऊपर थोप रही है, एक तो देश बंद कराई है, आर्थिक मंदी से जूझ रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बहुत खस्ता हाल है, उधर दूसरी तरफ ये लोग बिना सोचे समझे और एक हिटलर शाही के तहत ऐसे फैसले ले रहे हैं जो जनता पर बोझ डाल रहे हैं और जो पूंजीपति वर्ग है, कारपोरेट घराने हैं, उनको लाभ देने वाली नीतियां ये लागू कर रहे हैं। अभी बिजली के दामों में शहर में 12% वृद्धि कर दी और देहातों में 25% वृद्धि कर दी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए टैक्स बढ़ा करके, और मोटर व्हीकल एक्ट में जो नया संशोधन किया है उसने तो जनता की कमर ही तोड़ दी। तमाम लोगों ने अपनी गाड़ियां घरों में खड़ी कर दी, इतने की गाड़ी नहीं है जितने का टैक्स उस पर डाला जा रहा है। दिल्ली नजदीक है, दिल्ली के अंदर 201 यूनिट तक 70 रुपए बिजली का बिल जाता है और उत्तर प्रदेश के अंदर 201 यूनिट का 2300 रुपए बिल जाता है। तो ये एक देश और एक कानून की जो बात मोदी जी करते हैं और योगी जी करते हैं, तो एक देश से तो दो कानून इस देश के अंदर कैसे लागू हो रहे हैं, हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं। तो आज हम इन जन विरोधी नीतियों का चारों वामपंथी दल मिलकर के विरोध कर रहे हैं, उसमें सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और एसयूसीआई कम्युनिस्ट, ये चारों वामपंथी दल के कार्यकर्ता हैं। आज हमने विरोध प्रदर्शन किया है और सरकार ने अगर इन नीतियों को अपनी फेरबदल नहीं करा, इनको रद्द नहीं करा, तो हम लोग वामपंथी लोग सड़कों पर उतरेंगे और